राघव राजा राम पतित पावन सीता राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। 20 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की पद्धति के विरोध में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उपवास शुरू किया। महात्मा गांधी के उपवास के बाद देश के कई बड़े नेताओं की बैठक हुई और दिनांक 24 सितंबर 1932 को यरवदा करार हुआ। इस बैठक के बाद भारत से छुआछूत को जड़ से खत्म करने के लिए महात्मा गांधी के द्वारा सन 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी मंडल की स्थापना की गई, जिसे बाद में 13 सितंबर 1933 को हरिजन सेवक संघ का नाम दिया गया। हरिजन सेवक संघ की स्थापना के बाद किंग्सवे कैंप दिल्ली में इसका मुख्यालय बनाया गया। कहा जाता है कि हरिजन सेवक संघ के मुख्यालय की जमीन उद्योगपति घनश्याम दास बिरला ने महात्मा गांधी को दान में दी थी। घनश्याम दास बिरला के संयोग से साल 1932 में किंग्सवे कैंप में आश्रम का निर्माण हुआ और गांधी जी ने इस आश्रम में लगभग 180 दिन गुजारे थे। इस प्रांगण के अंदर कई फीट ऊंचे स्तंभ का निर्माण किया गया है। इसका निर्माण लाल पत्थर के उपयोग से किया गया है। स्तंभ का निर्माण सीढ़ी नुमा चबूतरे के आकार में किया गया है। स्तंभ पर महात्मा गांधी के सुवचन के साथ साथ इनकी पट्टियों पर अखंड भारत का मानचित्र तथा कई रचनात्मक प्रतीक को भी दर्शाया गया है। इस परिसर में गांधी जी के ध्यान के लिए मंदिर का निर्माण किया गया था। यहाँ पर गांधी जी मन की शांति के लिए अपने शिष्यों के साथ ध्यान किया करते थे। इस मंदिर का मुख्य उद्देश्य समाज से छुआछूत को जड़ से खत्म करना था। इस मंदिर में समाज के हर वर्ग के लोगों को आने की अनुमति थी। आज इस संस्था और इस मंदिर की मर्यादा को बरकरार रखने की जिम्मेदारी हरिजन सेवक संघ के वर्तमान अध्यक्ष शंकर सान्याल के कंधों पर है। शंकर सान्याल के नेतृत्व में रोज शाम यहां प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है। रोज शाम सैकड़ों बच्चे शंकर सान्याल के नेतृत्व में प्रार्थना सभा में शामिल होते हैं और गांधी जी के भजनों और प्रार्थनाओं का पाठ करते हैं। 1932 साल में महात्मा गांधी जब समाज के सबको बराबर करने के लिए और सबसे नीचे सबसे पीछे उनका सम्मान दिलाने के लिए ब्रिटिश सरकार का साथ उनको जो विरोध था, उस विरोध का बाद वो आमरण अनशन किया और उसका बाद वो गांधी जी ने यरवदा जेल में था। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 24 सितंबर गांधी जी से चर्चा किया और उनका बाद एक एग्रीमेंट हुआ, उसे पूना पैक्ट बोल रहा है। इट इज़ फेमस पूना पैक्ट। इस पूना पैक्ट में समाज के सबका छुआछूत दूर करने के लिए सो कॉल्ड अपर कास्ट पीपुल विल कम फॉरवर्ड फॉर द कॉज ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और समाज में सबका समान अधिकार रहे। और यहाँ 1930 से 1940 साल तक महात्मा गांधी इसी कैंपस में जब भी दिल्ली आते कस्तूरबा का साथ भी यहाँ ही रहते। कस्तूरबा कुटीर जहाँ है कोई प्रोजेक्ट का लिए आए, वो प्रोजेक्ट के लिए स्कूल और फैमिली काउंसलिंग इस तरीक़े से दो एक प्रोजेक्ट जो चलता है उसी का चलता है, वो भी पूरा रुपया जो सरकार का सहायता है उससे नहीं चलता है। हारमोनी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, फैटर्निटी, इस सारे में हम लोग का काम करना चाहिए। तो इस काम के लिए हम लोग सोचा है और आस्ते आस्ते एक एक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए दूसरे साथियों से चर्चा करके और कमेटी में डिसीजन लेकर कॉरपोरेट सेक्टर का भी सहायता लेना चाहता है जी इसको डेवलप करने के लिए। वो बहुत इरेगुलर है, मैंने रेगुलर पूछता नहीं है हम लोग का साथ, और जो भी अमाउंट उसका है वो अमाउंट भी बहुत कम है जिसमें हमको ये भरपूर करने होता है।
बैलेंस भरपूर करना है, उसके लिए हमारे पास इतना फंड नहीं है कि कैसे भरपूर करे। हमारा इनकम बहुत कम है, थोड़ा किराए से जो इनकम आता है दो तीन ये है, उसी का इनकम से सारी इतना बड़ा जो कॉम्प्लेक्स है उसको मैनेजमेंट करना है। इसका स्टाफिंग स्ट्रक्चर भी बहुत कम है, पहले जितना स्टाफ था आज उतना स्टाफ नहीं है, उतना काम नहीं कर पाता। तब भी आज सफा सुथरा जो भी है इस परिवेश को हम लोग अच्छा तरीके से बनाने का कोशिश किया और कर रहा है। आश्रम में एक ठक्कर बापा रेजिडेंशियल प्राइमरी स्कूल भी चलता है, जिसमें 6 से लेकर 12 साल के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रांगण के अंदर एक संग्रहालय का भी निर्माण किया गया था, जिसका नाम कस्तूरबा कुटीर है। छुआछूत निवारण में गांधी जी के साथ साथ उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का भी अहम योगदान था। हरिजन सेवक संघ के आश्रम में रहकर कस्तूरबा गांधी ने दलितों और शोषितों के उत्थान के लिए अहम कार्य किए थे। आज भी हरिजन सेवक संघ के परिसर में कस्तूरबा गांधी का वह कमरा मौजूद है, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण पल गुजारे थे। इस कमरे में आज भी उनकी यादों के तौर पर ढेरों तस्वीरें मौजूद हैं, जो बा के संघर्ष को दर्शाती है। बा के कमरे के नजदीक से सीढ़ी पहली मंजिल पर जाती है, जहां पर गांधी जी रहा करते थे। गांधी जी के इस कमरे में स्मृति शेष के तौर पर उनका आसन मौजूद है। इतना ही नहीं, इस कमरे में गांधी जी का चश्मा, चरखा, चप्पल, लाठी समेत कई चीजें स्मृति शेष के तौर पर संजो कर रखी गई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चल करके हम चाहते हैं ये देश नया भारत का निर्माण हो। ये देश जोड़ने से बनेगा, तोड़ने से नहीं बनेगा। और ये देश को जोड़ने का काम हरिजन सेवक संघ यहाँ कर रहा है। अभी अभी तुरंत यहाँ पर डॉक्टर सुब्बा राव के नेतृत्व में 22 राज्यों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन वहाँ आयोजित नौजवानों का किया गया, और उन्होंने कहा हम नौजवान देश को बचाएंगे, देश की रक्षा करेंगे, समभाव पैदा करेंगे, सद्भाव पैदा करेंगे। हमारी संस्था हरिजन सेवक संघ मिलकर के देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है, और हमारा कार्यक्रम ये है हम इस योजना को, इस 150वीं शताब्दी को, हम 150,000 नौजवान, हमारे अध्यक्ष शंकर सन्याल जी ने घोषणा किया है हम 150,000 गांधी यूथ तैयार करेंगे पूरे देश में। और उसमें जो सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भाव, जो देश की मूल भावना है, उसको कायम रखने के लिए पूरे देश का दौरा करेंगे। दौरा करके संगठन को मजबूत बनाकर इस मजबूत भारत का निर्माण करेंगे, जो भारत में कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई जाति भेद नहीं होगा, कोई संप्रदाय भेद नहीं होगा, वहाँ होगा गांधी का भारत, होगा गांधी के सपनों का भारत होगा। आज के दौर में इस प्रतिष्ठित महादेव देसाई पुस्तकालय में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई चुनिंदा किताबों को रखा गया है, जिसमें लगभग 10,000 से ज्यादा किताबें आम नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। और इस पुस्तकालय में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के द्वारा देश के प्रति लिखी गई कई पत्रों को भी यहाँ पर संरक्षित किया गया। गांधी जी का चरखा प्रेम जग जाहिर है। आज़ादी के उस दौर में गांधी जी के जहन में चरखे की बात उस वक्त आई जब वो इंग्लैंड में थे। लगातार गांधी जी इसी दिशा में सोच रहे थे, और उनकी इच्छा 2 वर्ष के बाद साल 1918 में पूरी हुई। इसके बाद गांधी जी का चरखे के प्रति प्रेम बढ़ता गया। गांधी जी के विचार और उनके चरखा प्रेम को युवा पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए हरिजन सेवक संघ में बच्चों को चरखा चलाना सिखाया जाता है। आज भी चरखे की शिक्षा हरिजन सेवक संघ में इसलिए दी जाती है क्योंकि गांधी जी का मानना था कि चरखा चलाने से व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है। गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर हरिजन सेवक संघ द्वारा एक भव्य कथा का आयोजन किया गया, जिसमें पूज्य दलाई लामा, बाबा रामदेव, स्वामी चिदानंद सरस्वती, साध्वी भगवती सरस्वती जैसे महान व्यक्तियों ने गांधी जी के प्रति अपने विचार को व्यक्त किए हैं। जाति पात का भेदभाव था, एक तरह की सामाजिक कुरीतियाँ थी जिससे हमारा समाज ग्रसित था। जब बच्चा पैदा लेता है तो हर बच्चा ईश्वर का संतान है, और बाद में जाकर के उसको हम लोग कहते हैं कि ये अछूत है, ये अस्पृश्य है, इससे समाज टूटेगा। तो गांधी तो बहुत ही
इस मामले में होशियार थे। जब देखा कि अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने में जब पहले तो धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश की, फिर समाज को दलित और सवर्ण के भी काटने की कोशिश की, यह एक सामाजिक पाप है। मुल्कराज आनंद जैसे लोगों ने इतने साहित्य की रचना की, बापू ने इतना लिखा, फिर भी आप कहीं कहीं सुनते होंगे कि दलित के साथ ये घटना वो घटना हुई। ये एक तरह की शिक्षा का अभाव है। इसमें समाज में जागरूकता की जरूरत है। जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, हम इस रोग को समाज से अलग नहीं कर सकते। भारत का आज भी एक बड़ा तबका गंदी नालियों, नालों और बस्तियों में रहने को मजबूर है, जहां पर उनके पास ना तो पीने के लिए पानी है, ना ही रहने के लिए साफ जगह है। आज भी भारत के कई हिस्से में जाति, धर्म, अमीर और गरीब के बीच में गहरी खाई है। इंसान को उसकी जाति या धर्म के अनुसार बांटा जा रहा है। अगर व्यक्ति किसी निचले समाज के वर्ग से आता है, जिसके पास रहने, खाने, पीने, पहनने की उचित सुविधा नहीं है, तो ये समाज उसे नीचा और समाज से भिन्न समझता है। लोग आज भी व्यक्ति के चरित्र नहीं, उसकी दशा के मूल्य आधार समझकर उसे समाज के शोषित और अछूत वर्ग में बांट दिया जाता है। भेदभाव रखते हैं को ये छूना नहीं, इधर सफाई नहीं किया, वो नहीं किया, इसको मत छूना, इस चीज़ में ऐसे हाथ नहीं लगाना, ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए। हम भी तो इंसान हैं, बचा हुआ खाना, सड़ा हुआ खाना बताओ, ऐसे ऐसे दे देते हैं, गलत बात है ना। ऐसे आपकी तरह हम भी इंसान हैं, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। क्या बोलेंगे? अगर बोलेगा तो चार बंदे जाके हमारे दरवाजे में लड़ाई करेंगे। हमारी बच्चे कहते हैं कि मम्मी इस लोगों से मुंह मत लगाओ कर, क्योंकि तुम्हारी भी इज्जत है, इंसल्ट होते हमारी बच्चे कहते हमारी इंसल्ट होते, अब मत बच जाया करो, मत बोला करो, क्योंकि हमारी मन ऐसी है जब मैं आगे कोई गिरा हुआ चीज़ रहता है तो हमें देख के बड़े दुख होता है कि हम इस लोगों को कैसे समेटेंगे। जैसे हम इस बच्चे के लिए मुद्दा उठाया, जिस बच्चे इतने इस बारिश में आप भी देख सकते, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब इनके पास घर नहीं है, कहाँ जा सकते हैं? अगर हम मदद नहीं करेगा तो इसको कौन मदद करेगा? हमारे सुबह जब होता है 5 बजे से लेकर और शाम तक जब तक पानी आता, मीठा पानी, मथुरा रोड पे जैसे लोग मेला देखने कहीं हरिद्वार जा हो, कहीं मतलब कुंभ के स्नान में जाते हो, इस प्रकार से हमारे कॉलोनी के बच्चे जो 10 साल के हैं, 12 साल के हैं, बूढ़े हैं, सभी लोग पानी लेने के लिए जाते हैं। हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की याद में कस्तूरबा बालिका विद्यालय का संचालन करती है। इस विद्यालय में महिला सशक्तिकरण के साथ साथ बालिका शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है। मैं श्याम सूरी हूँ, मैनेजर हूँ कस्तूरबा बालिका विद्यालय का। कस्तूरबा बालिका विद्यालय हरिजन सेवक संघ की एक स्कूल है। हरिजन सेवक संघ के 15 प्रदेशों में प्राइमरी स्कूल चलते हैं, लेकिन यही एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी कस्तूरबा गांधी, मिसेस कस्तूरबा गांधी की डेथ के फौरन बाद, उनकी याददाश्त में, उनकी मेमोरी को कमेमोरेट करने के लिए स्कूल बनाया गया था। एक गांधी कल्चर और गांधी ट्रेडिशन के हिसाब से उनका रहन सहन और उनकी पढ़ाई होती थी। धीरे धीरे स्कूल का विकास होता, विस्तार होता चला गया, स्कूल की संख्या बढ़ गई, क्लासेस बढ़ गई, अब ये CBSE रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है 12th क्लास तक। स्कूल में ऐसा नहीं है कि हरिजन ही लड़कियां होंगी, स्कूल में अधिकतर अंडर प्रिविलेज क्लास की लड़कियां आती हैं, क्योंकि स्कूल फ्री है, इसमें कोई फीस नहीं ले जाती, चैरिटेबल स्कूल है और ये दिल्ली गवर्नमेंट का एडेड स्कूल कहलाता है। इसका अर्थ ये है कि दिल्ली गवर्नमेंट एड देती है स्कूल को, और उसकी एक ये शर्त रहती है कि लड़कियों से हम फीस नहीं ले सकते। 20% लड़कियां आप कह सकते हैं SC शेड्यूल कास्ट की हैं, 10% लड़कियां मुस्लिम वर्ग की हैं, 20% लड़कियां OBC वर्ग की हैं, और अधिकतर जो रिमेनिंग गर्ल्स हैं वो जनरल कैटेगरी की हैं। यहाँ पर कोई किसी का भेदभाव नहीं है, लड़कियों को कोई इस चीज़ का विचार नहीं है कि कौन किस वर्ग का है, सब लड़कियां बराबर बैठती हैं, बराबर खाती हैं, और बिल्कुल भी एक रत्ती भर भी
कोई भेदभाव या कोई भावना लड़कियों में या टीचर्स में नहीं है। लड़कियां बहुत खुश रहती हैं और पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट लेती हैं। टीचर, लड़कियां सब बहुत एक फैमिली की तरह काम करती हैं और हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम हरिजन सेवक संघ के एक अंग हैं जो 1932 में गांधी जी ने बनाया था, मुख्यतः हरिजन लोगों के उद्धार के लिए, शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए। तो हम उसका एक अंग हैं। ये भी गर्व है कि हरिजन सेवक संघ बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं और गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ को मनाया जा रहा है और हमारे स्कूल की 75वीं वर्षगांठ को हम लोग मना रहे हैं। कस्तूरबा बालिका विद्यालय में बच्चियों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। माय नेम इज़ वंशिका, आई एम इन 11th क्लास। मैं इस स्कूल में 6th क्लास से पढ़ रही हूँ और मेरा इस स्कूल में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है 5 सालों में अपने। मैं 6th से यहाँ पर पढ़ रही हूँ और आज 11th में हूँ और अभी मैं आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे बहुत से इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं जो हमें बहुत प्रेरित करते हैं, जिनसे हमें मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। इस स्कूल में काफ़ी फैसिलिटीज़ है, जैसे कंप्यूटर क्लासेस हमें प्रोवाइड की जाती है, लाइब्रेरी हमें प्रोवाइड है, इसमें हम वीक में जाते रहते हैं और कंप्यूटर्स भी बहुत अच्छे, कंप्यूटर टीचर भी हमें बहुत मतलब अच्छी शिक्षा देती है और हमें बहुत अच्छा मौका मिलता है कि कंप्यूटर लाइब्रेरी जो हमने मतलब पहले कभी नहीं देखी या फिर जिन स्कूलों में नहीं प्रोवाइड की जाती है, इन स्कूलों में प्रोवाइड की जा रही हैं और जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस स्कूल में इंग्लिश भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छे सिखाई जाती है। इंग्लिश 11th का मेन सब्जेक्ट बना दिया गया है 11th में और इंग्लिश की टीचर भी बहुत अच्छी है जो हमें बहुत एजुकेट करती है। हरिजन सेवक संघ के द्वारा कस्तूरबा बालिका विद्यालय के परिसर में एक गर्ल्स हॉस्टल का संचालन किया जाता है जिसमें बालिकाओं के लिए स्टडी टेबल के साथ बंक बेड की सुविधा भी दी गई है। कस्तूरबा बालिका विद्यालय की एक छात्रा हूँ और मैं यहाँ हॉस्टल में रहती हूँ। यहाँ पर कई तरह के बच्चे आते हैं जिनके साथ हम घुल मिलकर रहते हैं। यहाँ पर एक हमारा हॉस्टल है जिसमें सभी बच्चे सभी तरीके से खुश रहते हैं। यहाँ पर हमें कई तरह की फैसिलिटीज़ दी जाती है। हम यहाँ पर एक टाइम के लिए कहीं घूमने जाते हैं, बच्चों का मनोरंजन इसलिए हम कहीं बाहर चले जाते हैं, गांधी जी के स्थलों पर जाते हैं जैसे कि गांधी दर्शन, गांधी स्मृति, राजघाट, और हम शाम को यहाँ पर गांधी जी की शांति के लिए हम प्रार्थना करा करते हैं और वैष्णव भजन तथा रघुपति राग हम ज़रूर गाते हैं। इस परिसर में बालिकाओं के लिए एक खेल का मैदान भी है जहाँ बालिकाएँ अपने शरीर, मन और तन को स्वस्थ रखने के लिए खेलकूद में हिस्सा ले रही हैं। दिन के अंतिम भोजन से पहले यहाँ लड़कियाँ इकट्ठा होती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं जो कि गांधी जी के आदर्शों को दर्शाता है। सांप्रदायिकता जहर है तो जाति भेद आग है और इस जहर और आग से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दोनों को झेला, दोनों से खेला।